एग्जाम कराने की जरूरत पड़े हुए हैं, उन्हीं कुछ कुछ स्टेट्स में ही एग्जाम हो पाएगा। तो हो सकता है आपका पेपर डिफिकल्ट आए, उसका इजी आए, उसका इजी आए, उसका डिफिकल्ट आए, तो हो सकता है कि आप ही की रैंकिंग में फर्क पड़ेगा। सोच के देखो, वाइजली डिसाइड करो, दिमाग लगाओ। एग्जाम एक ही बार होना चाहिए, ऑल ओवर इंडिया होना चाहिए। तो बच्चों, मेरा नाम है अंकुरानंद। अगर आप पहली बार इस चैनल के ऊपर आए हो तो शायद आपको नहीं पता होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि हम जो है कई दिनों से हम लोग कोशिश कर रहे हैं पोस्टपोन एग्जाम जेई के ऊपर बच्चों से बात करने के लिए। हमने डेफिनेटली से मैंने अभी तक कोई भी जो है अभी तक मैंने ऐसा कभी नहीं किया है अपनी लाइफ में कि हमने कोई एग्जाम को पोस्टपोन कराने की कोशिश की हो। सिर्फ और सिर्फ अगर बच्चे मुझे शुरू से फॉलो कर रहे हैं, मार्च से फॉलो कर रहे हैं, तो सिर्फ हमारा जो बेसिक मुद्दा था, जब हमारी शुरुआत हुई थी, वो इस बात से हुई थी कि फिजिक्स का एग्जाम जो था वो बहुत डिफिकल्ट हुआ था, और हमने इस बात पर आवाज़ उठाई कि बच्चों को ग्रेस मार्क्स मिलने चाहिए, क्योंकि फिजिक्स का पेपर का लेवल अपनी जगह पर था। और डेफिनेटली से वो सारी चीज़ें काम की, और बहुत लोग और भी यूट्यूबर्स हैं, उन्होंने काम अच्छे से किया, और सबका ज्वाइंट एफर्ट था जिसकी वजह से सब कुछ बहुत अच्छा हुआ, यह बात आप मानेंगे। फिर उसके बाद में मॉडरेशन के ऊपर बात आती है, तो फिर मॉडरेशन के ऊपर कई लोग थे, उन्होंने ड्रामा किया कि मॉडरेशन लगना चाहिए, लगना चाहिए, जबकि मैंने शुरू से मैं बात बात बोल रहा था कि मॉडरेशन लगता है, जितना लगना होता है उतना ही लगता है। प्रोविजन्स हैं कुछ लगने के, कई लोगों ने कहा स्क्रैप हो गया है, डेफिनेटली से स्क्रैप कोर्ट ने किया था, लेकिन यूजीसी अपनी लेकिन सीबीएसई अपनी तरफ से कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत मॉडरेशन रखता ही है, वो उसके अपने इंटरनल इश्यूज होते हैं, वो करता है, और वो सब भी सब कुछ एज इट इज़ ही हुआ। उसके बाद में बच्चों, अब बात आती है जेडब्ल्यू के एग्जाम को लेके, जेडब्ल्यू और नीट का एग्जाम लेके, क्योंकि सब जानते हैं कि जेडब्ल्यू नीट का एग्जाम जो है वो नहीं हो पा रहा है। तो बच्चों ने कमेंट में कहा कि सर आप जो है हमारे एग्जाम को पोस्टपोन करवाइए। फिर मैंने एक वीडियो डाला, मैंने बोला कि यार पूछा जाए बच्चों से कि देखो पोस्टपोन होना चाहिए, क्योंकि जब मैंने यूट्यूब पे देखा कई कई लोगों ने कहा कि कैंसिल 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 करवाया जाए, तो मैंने समझने की कोशिश की कि कैंसिल होने का नुकसान क्या हो सकता था। तो फिर हमने उसको एनालाइज़ किया, और हमने पिछले वीडियोज़ में सारी बात हम कर चुके हैं कि एग्ज़ाम कैंसिल क्यों होना चाहिए। अगर आप चाहें तो प्रीवियसली आप जाके आई बटन में लिंक है, आप जाके देख सकते हैं कि पुराने वीडियोज़ में मैंने हमने क्या बातें की हैं, और मेन मेन इश्यूज़ क्या हैं और क्या हो सकते हैं। क्योंकि क्योंकि अगर एग्जाम कैंसिल हो जाने वाली बात हो जाती है, तो वो आगे अल्टीमेटली आपकी लाइफ को अफेक्ट करेगी। ये बात तो आप लोग भी जानते हैं कि आपका 1 साल ख़राब हो जाएगा। यही आप जब ग्रेजुएट होंगे, अगर सपोज करिए आप इंजीनियरिंग करते हैं, आप 4 ईयर का इंजीनियरिंग है, बच्चे की ऑन एन एवरेज 18 ईयर की एज होती है जब वो 12th पास करता है, ऑन एवरेज बता रहा हूँ, कोट मत करना, 18 होती है, तो 22 तक अगर वो पास हो जाता है, तो अब वो 23 में पास होगा। फिर बच्चा कहता है सर 1 साल से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमारे जान है तो जहान है। बिल्कुल ठीक बात है। आप देखिए, ये तो पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, किसी को लगता है कि घर पे बैठे बैठे फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, और किसी को ये लगता है कि नहीं भाई ग्रोथ रेट डेथ रेट बहुत कम है, किसी को लगता है कि कोविड से बहुत इतना कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, किसी को लगता है मेरी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है, किसी को लगता है मेरी इम्यूनिटी बहुत खराब है, किसी को लगता है मेरी लाइफ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किसी को लगता है मेरे लिए एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई बच्चा कह रहा था कि सर मेरी तो किडनीज में प्रॉब्लम है, तो मेरे पेरेंट्स तो मुझे बाहर जाने नहीं देंगे। इंडिया है, डेमोक्रेसी है, बहुत बड़ी कंट्री है, बहुत सारे लोग हैं, सबको एक साथ लेके चलना पॉसिबल ही नहीं है। आप सब ये बात आप भी जानते हैं, जब नरेंद्र मोदी जी जब अपना कोई भाषण देते हैं, तो क्या सारे लोग उनकी इस बात को सेटिस्फाई करते हैं? नहीं करते हैं। कुछ लोग हमेशा एक कम्युनिटी हमेशा एक ऐसी ज़रूर होती है जो उनके अगेंस्ट बोलती है, एक कम्युनिटी ज़रूर होती है जो उनके फेवर में बोलती है। तो आप सब बच्चों को हर किसी को एक साथ लेके चल सकते हो? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। आप सोच के देखो, क्या हम सबको एक साथ लेके चल सकते हैं? मैंने एक वीडियो बनाया था, मैंने उसमें ये पूछा बच्चों से कि बच्चों आप ये सच में अगर चाहते हो कि जेई नीट एग्जाम पोस्टपोन होना चाहिए, तो बातें ध्यान से सुन लेना। क्योंकि जेई नीट पोस्टपोन, कोई बच्चा कहता है कि सर जेई नीट पोस्टपोन होना जरूरी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कई क्योंकि पॉसिबल क्यों नहीं है, कई सारी बातें हैं। ठीक है, मैं एक एक करके करना शुरू करता हूँ। तो एक बच्चे ने बोला कि सर जेई नीट पोस्टपोन होना जो है वो पॉसिबल नहीं है। तो बच्चों, मैं आपको रियलिटी बता दूं, आप लोगों को थोड़ा शायद से पता नहीं, आप तो 12th अभी अभी पास करके आए हो, अभी तो आप अंडा फूटा है, अभी तो बाहर निकले हो, अभी तो आप दुनिया में कॉलेज में जब जाते हैं, तो बच्चों क्राइटेरिया क्या होता है थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे तो आपको बात समझ में बहुत अच्छे से आ जाएगी। देखिए, रियलिटी में क्या होता है, नीट का एग्जाम जो होता था पहले, जो होता था मई में हो जाता था, जून में हो जाता था। ठीक है, मई में कई कई जगहों पे प्राइवेट कॉलेजेस के एग्जाम्स होते थे, जून तक हो जाते थे। जुलाई में ये लोग काउंसलिंग करते थे, अगस्त में क्लासेस शुरू करते थे, यही होता था, अगस्त में क्लासेस शुरू करते थे। तो अगस्त पढ़ते थे, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ठीक है, मई तक का सेशन होता है, उसके बाद में खत्म हो जाता है। टोटल मैंने महीने काउंट के 10 महीने टोटल होते हैं बच्चे, 10 महीने का एक पूरा ईयर का होता है, इसमें बीच में सेमेस्टर ब्रेक भी आता है, बहुत सारा कुछ होता है। ठीक है, इसमें बीच में डिटेल में जाने का कोई फायदा नहीं है, मोटे मोटे तौर पर इतना समझ लो 10 महीने का पूरा एक साल होता है, 2 महीने का बीच में बाद में आपको ब्रेक मिलता है, उसके बाद अगला साल शुरू होता है। अब मैं कह रहा हूँ कि 10 10 महीने का सेशन है, इसका मतलब ये होगा कि 2 सेमेस्टर्स है, 5 5 मंथ्स के। ठीक है, 5 महीने के सेमेस्टर को क्या हम 4 महीने में कन्वर्ट नहीं कर सकते? पूरा साल जब खराब करने की बात आएगी तो क्या हम उसको 4 मंथ में कन्वर्ट नहीं कर सकते?
डेफिनेटली से कर सकते हैं। मैं भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ, मुझे भी पता है क्या सेमेस्टर की लेंथ होती है, 3.5 से 4 महीने का एक सेमेस्टर होता है, इतना ही होता है, बहुत लंबा खींचने वाला कोई प्रोविजन नहीं है। बच्चों को जो है 2 महीने की छुट्टी काटी जा सकती है, तो पूरे साल में अगर मान लीजिए आज अगस्त चल रहा है, मैं कहता हूँ कि यार ये सिचुएशन अभी ठीक नहीं है कि हम एग्जाम अभी करा सकें। मैंने प्रपोजल दिया था, सबसे पहले मैंने कहा था कि जनवरी में करवा लिया जाए एग्जाम 2020 वाले बच्चों का, और 2021 में जो करंट में 12th क्लास के बच्चे पढ़ रहे हैं उनको जनवरी में एग्जाम ना कराने दिया जाए, उनका एग्जाम अप्रैल या मई में अगले साल में लिया जाए, एग्जाम 2 बार ना लिया जाए साल में। आज से 2 साल 3 साल पहले भी तो यही होता था ना, 2016 के बाद ही क्राइटेरिया चेंज हुआ, उससे पहले साल में एक ही बार एग्जाम होता था JEE का, तो 1 साल की दिक्कत है। आप एग्जाम को 2 बार मत कराइए, एक ही बार करवा लीजिए, बीच में मॉक्स करवा सकते हैं आपको अगर लगता है कि बच्चों की इंप्रूवमेंट होनी चाहिए, सारी बातें बहुत कुछ आराम से हो सकती हैं। बात सिर्फ इतनी है कि क्या हम ये पॉसिबल हम चाहते हैं। अब बच्चों, कई बच्चे कहेंगे कि सर दिसंबर में करा लीजिए, नवंबर में करा लीजिए, जनवरी में करा लीजिए, तो मेरे हिसाब से गवर्नमेंट को कोई डेट नहीं देनी चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट को ये बात बोलनी चाहिए कि जैसे ही कोविड की सिचुएशन ठीक होगी हम 2020 का एग्जाम उसके बाद ही इमिडिएटली कराएंगे, और उसके बेसिस पे हम सेमेस्टर को एडजस्ट कर देंगे। सिर्फ इतनी सी बात है और एकदम जायज़ बात है, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। हालांकि जब मैंने पोल किया, आप पोल देखिए जरा एक बार स्क्रीन पे, जब हमने पोल करवाया अपनी कम्युनिटी पोस्ट के ऊपर, तो आप देख सकते हैं कि कितना परसेंटेज जो बच्चा चाहता है कि एग्जाम अभी ना हो। मैं उन बच्चों से पूछता हूँ जो बच्चे ये बोलते हैं कि सर एग्जाम होना ही चाहिए सेप्टेम्बर में, उन बच्चों से पूछता हूँ कि जिन बच्चों की हेल्थ ठीक नहीं है आपने उन बच्चों को कंसिडर करके चला नहीं चला, ठीक है? अगर चल रहे हो तो मुझे लगता है शायद आप ये नहीं बोलते। कई बोलेंगे बट नॉनसेंस, आप जो है पोल वीडियोस को आप जो है सब क्या कहते हैं, आप व्यूज़ के लिए ऐसा करते हैं, तो प्लीज़ आई थिंक व्यूज़ के लिए अगर हम लोग ये कर रहे होते हैं तो मैं आपके इस पॉइंट को एक्सेप्ट करता हूँ। ओनली बातें इसलिए करने की कोशिश कर रहा हूँ यूट्यूब के ऊपर, मुझे नहीं पता कि हो सकता है शायद आपके लिए भी शायद मैं ऐसे ही हूँ जैसे मैं दूसरे लोगों को देखता हूँ, आई डोंट नो कि आप मेरी बात को समझ पा रहे हो नहीं, लेकिन मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि सितंबर में एग्जाम दिल्ली में तो होना बिल्कुल पॉसिबल हो गया है, ठीक है? दिल्ली जैसी सिचुएशन में आज आप ग्राफ्स वगैरह डेटा वगैरह एनालिसिस करोगे तो उसके बेसिस पर देख के लगेगा कि हाँ एग्जाम किया जा सकता है क्योंकि सिचुएशन अंडर कंट्रोल है। वहीं जब इंडिया में बाकी जब आप स्टेट्स को देखते हो तो वहाँ अभी कोविड की जो सिचुएशन है वो उतनी अच्छी नहीं है, केसेस राइजिंग है, पर क्या वो राइजिंग ही रहेंगे? तो ऑब्वियसली आंसर है नो। कई लोग कह रहे थे दिल्ली में इसलिए कम हो गए क्योंकि शायद टेस्टिंग कम हो गई है, हो भी सकता है, हम नहीं कुछ कह सकते इस बारे में, लेकिन कहने का मतलब यह है कि वर्ल्ड में इतनी बड़ी बड़ी कंट्रीज, उन्होंने अपना सर झुका दिया, बड़ी बड़ी कंट्रीज जब उन्होंने कहा कि नहीं भैया इस सिचुएशन को हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते, लोग जीरो अकेडमी की डिक्लेयर कर रहे हैं, हम जीरो अकेडमी की तो डिमांड भी नहीं कर रहे हैं, हम तो सिर्फ इतना कह रहे हैं हम लोग तो इंडियंस हैं, इतना एडजस्ट कर रहे हैं हम लोग के ऑनलाइन पढ़ पढ़ के किसी भी तरीके से एडजस्ट कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, मेरा ये बिलीव है कि हम लोगों को सिचुएशन को अपने हिसाब से जो है कंट्रोल करना चाहिए। अब काम की बात पे आता हूँ बच्चों के, जब इतने सारे केसेस बढ़ रहे हैं ऑल ओवर इंडिया में, तो क्या कोविड क्या हमें एग्जाम फाइनली करने चाहिए या नहीं करने चाहिए? तो मेरे हिसाब से बच्चों एग्जाम्स को थोड़ा टाइम के लिए विदाउट एनी डेट हमें पोस्टपोन करना चाहिए। वो नवंबर भी हो सकता है, वो सितंबर भी हो सकता है, वो अक्टूबर भी हो सकता है, वो जनवरी भी हो सकता है, पर हम ये मेंटली ये बात प्रिपेयर करके चलें कि हम जो है ये चाहते हैं कि एग्जाम जब हो तो उन बच्चों का साल खराब ना हो। वो अगर 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 बच्चा कहेगा सर साल तो खराब हो ही जाएगा अगर मान लीजिए एग्जाम दिसंबर में होता है, अब सुनिए एग्जाम अगर दिसंबर में होता है तो हम एग्जाम अर्ली दिसंबर में अगर कराया जाए, मान लीजिए सिचुएशन ठीक हो जाती है, अब पता नहीं क्या होने वाला है, बट अगर दिसंबर में ठीक हो जाती है तो दिसंबर के मंथ में बाकी मंथ में हम, क्योंकि बच्चों डिजिटल चेकिंग होती है आजकल सबको पता है, OMR शीट्स होती हैं, JEE का एग्जाम कंप्यूटर पे हो जाता है, तो सारी चीज़ें जो होती हैं वो बड़ी जल्दी हो जाती हैं, पेपर चेकिंग वाला कोई बहुत बड़ा इशू आज की डेट में नहीं है कि कोई टीचर मैनुअली बैठ के पेपर चेक करेगा, तो सबको पता है कि पेपर चेकिंग मैनुअली नहीं होती है, विद इन 1 घंटा रिजल्ट आ सकता है। तो अगर आपके पास 2-3 दिन का अगर आप समय ले लें पूरा रिजल्ट निकालने में तो आप निकाला जा सकता है, सब कुछ कंप्यूटराइज्ड होता है तो सब कुछ बड़े आराम से हो जाता है, सॉफ्टवेयर सब कुछ काम करना है तो ये सारे काम बड़े जल्दी किए जा सकते हैं। तो इसका मतलब ये होगा दिसंबर में अगर ये काउंसलिंग करा के अगर एडमिशन्स कर देते हैं और 1 जनवरी से अगर ये क्लासेस शुरू करते हैं तो 1 जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल 4 महीने आप क्लासेस कराइए, ठीक है? मई में आप छुट्टी करिए, जून जुलाई अगस्त सितंबर में फिर खत्म करिए, अक्टूबर में अगला साल शुरू करिए, और अगले साल के लिए भी आप अगर 2 महीने की छुट्टियां काट देते हैं तो ट्रैक पे आ जाएंगे वहीं पे जो जुलाई या अगस्त का सेशन जो होता, जो अगस्त टू अगस्त सेशन चलता था वो एज इट इज वापस आ जाएगा सिर्फ 2 साल के अंदर अंदर। सिचुएशन पॉसिबल है, की जा सकती है, जीरो ईयर करके आप अपना साल खराब कर रहे हो, और एग्जाम को जो है वो एग्जाम करा के देखिए सितंबर में एग्जाम हो सकता है, ठीक है, लेकिन सब स्टेट में नहीं हो पाएगा। आप सोच के देखिए आपके स्टेट में होगा दूसरे स्टेट में नहीं होगा, किसी और के स्टेट में होगा किसी और के स्टेट में नहीं होगा। जो बच्चे कह रहे हैं ना जिद पर अड़े नहीं सितंबर में एग्जाम कराओ, तो बच्चों बता दूं जो सितंबर में एग्जाम कराने की जिद पर अड़े हुए हैं उन्हीं कुछ कुछ स्टेट्स में ही एग्जाम हो पाएगा। तो हो सकता है आपका पेपर डिफिकल्ट आए, उसका ईजी आए उसका डिफिकल्ट आए, तो हो सकता है कि आप ही की रैंकिंग में फर्क पड़ेगा। सोच के देखो, वाइजली डिसाइड करो, दिमाग लगाओ, एग्जाम एक ही बार होना चाहिए, ऑल ओवर इंडिया होना चाहिए,
एक साथ होना चाहिए, मेडिकल का स्पेशली। इंजीनियरिंग का एग्जाम ऑल्दो सबका अलग अलग बैचेस में होता है, उसमें नॉर्मलाइजेशन किया जाता है, लेकिन मेडिकल का एग्जाम जो होता है वो एक ही बार होता है। क्यों मेडिकल का एग्जाम जो है टुकड़ों में नहीं कराया जाता? कई सारे रीजंस हैं बच्चों, नॉर्मलाइजेशन करना मेडिकल के एग्जाम में कई जगह पे टेक्निकली पॉसिबल नहीं है। पूरी उम्मीद है आपको जो है कंटेंट बात जो होगी वो हिट कर गई होगी, लेकिन अगर आप सिर्फ एक पहलू को मत देखो, आप सिर्फ ये मत सोचो कि एग्जाम कैंसिल पोस्टपोन जो है पोस्टपोन नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। अगर आपकी रट लग गई है तो आप ये सोच के देखो कि हो सकता है कि अगर दिल्ली जैसी स्टेट हो गई या किसी कोई और स्टेट हो गई, हिमाचल अभी अच्छी सिचुएशन में हो सकता है, हिमाचल अपना एग्जाम करा ले, उत्तराखंड अपना एग्जाम करा ले, गोवा अपना एग्जाम करा ले, दिल्ली अपना एग्जाम करा ले, लेकिन कई ऐसे स्टेट है जहाँ एग्जाम नहीं हो पाएगा और हो सकता है कि बाद में उनका पेपर ईजी आ जाए, हो सकता है उनकी रैंकिंग आपसे ऊपर आ जाए, बाद में आप ही परेशान हो जाओगे, बाद में आप ही रोगे, बाद में आप ही आके ट्विटर पर आप यहाँ पे कमेंट करोगे सर हमें इंसाफ दिलवाओ। तो ज़्यादा बेटर है बच्चों के एग्जाम एक साथ हो, सबका एक जैसा पेपर हो, सबको पेपर एक जैसा मिले, सबका पेपर एक ही दिन हो। ये सारी सिचुएशन तभी पॉसिबल है जब पूरी इंडिया में एक जैसी सिचुएशन होगी, और ये तभी पॉसिबल है जब बच्चों कोविड जो है जाएगा। तो इसीलिए थोड़ा वेट करना चाहिए मेरे ख्याल से, पूरे इंडिया को एक साथ लेके चलो। यू सेल्फिश होके सोचो मत, सबके बारे में सोचो, उन बच्चों के बारे में भी सोचो जिनकी हेल्थ ठीक नहीं है, उन बच्चों के बारे में भी सोचो जो इस टाइम पे मेंटली प्रेशर में है, ठीक है। इस तरह से बातें करने से सिर्फ आपको एक मोटिवेशन मिलती है, और मुझे पूरी उम्मीद है आपको वीडियो जो पसंद आया होगा। अब सुनो काम की बात, ट्विटर अकाउंट पे हम ट्विटर अंकुर आनंद 10 करके लिखा हुआ आ रहा होगा स्क्रीन के ऊपर, ये मेरा ट्विटर अकाउंट है। हैशटैग अभी डिसाइड करते हैं, बहुत अच्छा सा कोई हैशटैग आप कमेंट में लिखो, आप कौन सा हैशटैग यूज़ करना चाहते हो। और बच्चों जहाँ तक बच्चे कुछ कह रहे थे कि सर आप अगस्त में जो है ट्वीट करना शुरू करना, अगर आप लोगों को लगता है कि अगस्त में ट्वीट करना शुरू करना चाहिए तो अगस्त में करेंगे शुरू, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमें इस सिचुएशन को समझ के करना चाहिए। और हम डेफिनेटली से आई डोंट थिंक, मुझे पहले मुझे लग रहा था कि यार मतलब ये ट्विटर विटर करना मेरे बस की नहीं है, तो मैंने जो है मेरे एक फ्रेंड है यूट्यूबर है शशांक त्यागी, वो भी अच्छा कर रहा है, वो भी अभी इस टाइम पे मतलब अच्छा अच्छा फिजिक्स भी पढ़ाता है, तो वो उसके साथ भी मेरी बात होती है, तो उसने भी कहा कि हम मिलके जो है इस मूवमेंट को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि ही सेड के हम कर सकते हैं मिलके। तो मैंने मुझे भी बिल्कुल मुझे लगा कि बिल्कुल ये बहुत ठीक बात है, हम अगर मिलके ये काम करते हैं तो आई थिंक एक और 11 होते हैं, तो हमें मिलके करना चाहिए। तो आप चाहें तो उनको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। इसी के साथ में आई थिंक इस वीडियो को हम रखते हैं यहीं तक, और आप मुझे कमेंट में जरा हैशटैग सजेस्ट करो बच्चों, क्या क्या हैशटैग रखने चाहिए, कॉमन हैशटैग रखेंगे, एक ही हैशटैग रखेंगे सो दैट वो ट्रेंडिंग में जाए, हम कोशिश करेंगे कि हम अपने हैशटैग को ट्रेंडिंग में रखें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मेरा नाम है अंकुर आनंद, बाय।